प्लीज सब्सक्राइब। हम अच्छे दिखे या बुरे आप लोग सब्सक्राइब करके बचाना। हेलो यूट्यूब फैमिली, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को खास प्रणाम। अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह की 5 बजे से। तो आज मैं जा रही हूँ देहरादून, हम लोगों की वहाँ पे ट्रेनिंग है कल से। तो आप लोगों को रास्ते का प्यारा प्यारा व्यू दिखाती चलूँगी, आप लोग बने रहें मेरे ब्लॉग में। तो अब हो रहा है गाड़ी का वेट और दोसा जी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी चलते हैं। फिर वहाँ पे भी कर रहे हैं पैसेंजर वेट, और एक तो हमारी पड़ोसी हैं उनके बेटे जा रहे हैं देहरादून, और दो और लोग भी हैं। और गाड़ी वालों ने कह दिया हमसे 6 बजे रोड पे आ जाना, अभी तक नहीं आए हैं। शायद बहुत से पैसेंजरों ने ना गाड़ी वालों को धोखा दिया होगा, तो उन्होंने हमें आधा घंटा पहले ही रोड पर बुला दिया, जबकि रोड पर ही घर है। फिर भी उन्होंने कहा हम मैं आ गया हूँ और 5 मिनट में आप लोग रोड पे आओ, और हम कर रहे हैं आधे घंटे से वेट, अभी तक भी नहीं आए। तो आ गई है हम लोगों की गाड़ी, तो अब जाते हैं। बाय बाय हो। अरे वहाँ तो सामान रख रहे हैं बच्चों के लिए, थोड़ा सामान ले जा रही हूँ। गार्डन की खूबसूरत सी वादी में हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ से सुंदर सा हिमालय देखिए आप लोग, और यहाँ श्रीनगर में लगा था शायद मेला, तो मार्केट में आपका खरीद है बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा लगा है जाम, इधर उधर लोगों की बिल्कुल भीड़ लगी है। प्यारा सभी आप लोग देखिए, क्योंकि मुझे पहाड़ और इतनी अच्छी जगह पर बसा है देखिए यार। और एक पहाड़ी के पीछे दूसरी पहाड़ी, दूसरी के पीछे तीसरी पहाड़ी, इन पहाड़ी को तो बिल्कुल गले लगाने को दिल कर रहा है। ठंडा अभी भी जा रहा है, इतना ठंडा हो रहा है क्या बताएं। और यहाँ से चारों ओर का व्यू इतना अच्छा, आज से हम आ गए हैं देहरादून की चमक दमक वाली दुनिया में। साली और रजनी आ गई है मुझे लेने के लिए, और अभी अपना चेहरा नहीं दिखा रही है, कह रही है कि बहुत ही गंदा हुआ है हमारा चेहरा करके। जैसे ही बच्चों के रूम में आई तो वैशाली ने इतना अच्छा थॉट लिखा है, सिर्फ स्वयं को ढूंढना है, बाकी सब गूगल पर है। वाओ, तो मिली मेरी बेटी से। दिवाली में घर नहीं आई थी ना, चलो जल्दी से ट्रेनिंग होके मुलाकात हो गई। और ठीक है तू? बढ़िया, स्वास्थ्य ठीक है? हाँ। कैसी रही तेरी दिवाली? ठीक। कुछ दोस्तों और भी थे क्या तेरे तेरे जैसे कि सब घर गए थे? एक दो तीन। वैशाली ने कुछ इस तरह से किया है अपना रूम डेकोरेट, अच्छा किया है आज। आते आते दोनों के दिल पास आ गए। अब ले चलती हूँ रजनी के रूम में। हाय रंजू। हुआ के सारे यूट्यूब फैमिली को मेरा प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? क्यूट सी भतीजी।
ठीक हो और जाओ के चल रही ठीक हो रही है सब बढ़िया स्वास्थ्य ठीक है। ये है रजनी का रूम और रजनी ने किया था इतना ही डेकोरेट क्योंकि रजनी आई थी घर दीपावली में, भले ही हम मिल नहीं पाए केवल 3 दिन के लिए आई थी ना, हाँ तो मैं भी घर चले गई थी नहीं मिल पाए। और किचन दोनों बहनों का एक ही है, किचन में साथ ही बनाते हैं वो खाना और रूम अलग अलग लिया है दोनों ने क्योंकि वैशाली ना रात को करती है अपना ऑनलाइन काम तो इसलिए रजनी डिस्टर्ब ना हो करके अलग अलग लिया है दोनों ने रूम साथ साथ दोनों के रूम इसलिए बनने लगी है गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और बच्चे लग गए हैं काम पे और सब ठीक हो रहा है फिर आप लोगों का। अच्छा जॉब ठीक चल रही तेरी, लैपटॉप खराब हुआ था कह रही थी ठीक हो गया तो तूने दिवाली में याद नहीं किया क्या मैं तो अभी मेरे से मिलने के लिए वैशाली और रजनी के फ्रेंड आए हैं और ना इन लोगों ने अपना तो बैठ गए क्रिकेट में हार गई है टीम करके और उनको खाना बनाने में इन लोगों ने लगा दिया है, दोस्त भी इतने अच्छे कि सब लोग बना रहे हैं खाना अपना अपना इंट्रो दो मैं ये करके कभी हम कुछ नहीं बोल सकते डिस्प्रेशन में जल गई ओ गॉड इधर इधर देखना हेलो गाइस हाय नहीं कुछ मैं ही बोल लेती सब तो सदमा लगा है इनको तभी ऐसी रोटी बन रही है मैंने बनाई है वेरी कहाँ का ओ मेरी रोटी फट गई दीदी से तो सही है यार उसका घर पे तो मोटी रोटी बनती है ना अभी एक काम अरे ये दीदी गीला आटा बनाती है हमेशा पता नहीं कहाँ को जल्दी हुई रहती है हमेशा गीला आटा बनाती है जल्दी हुई रहती है रजनी मुझे कब कोई बात नहीं कोई बात नहीं देखो सब कॉन्टेक्ट करेगा ढाबा स्टाइल हो अब अपना मैं बेस्ट देने का ट्राई में लगी हुई हूँ बन जा गोल बस हो गई जी तो इतनी बड़ी रोटी बना सी ये बैठी है भाई जब से खाना बना है बस आटा गूंदने में योगदान है वो भी मैं आगे अगर बताओ ना इधर देखा बिना कहे अकेले मैं ये करती हूँ हमेशा काम मुझे बताना नहीं पड़ता मैं सपना के रूम भी जाती हूँ मैं आटा मांग लेती हूँ चुपचाप से बताती नहीं मैंने ये काम किया है बाकी लोग गाइस मैं तो बताती हूँ भाई मैंने सारा काम किया है बस रोटी सपना बना रही है दो बहने आपस में लड़ रहे इग्नोर कर रहे हाँ कोरा का आवेश था ईमन मेरा आता है सबको कौन सा गाना सबको आता है कोरा का ये वाला नहीं अरे यार तुम बहुत इंप्रेस किया बहुत अच्छा लग रहा है अरे सी हैप्पी फेसेस गाइस सबसे गंदा मेरा फेस आया है क्योंकि मैं गाड़ी में ना इतना लंबा सफर तय करके आई हूँ कोई बात नहीं यार सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब हम अच्छे दिखे या बुरे आप लोग सब्सक्राइब करके चला तो अभी अब सब लोग खाना खाने लग गए हमारी रजनी कर दी सबको सर्व थोड़ा चावल और रोटियां बनाई हैं खाना खाने के बाद ना थोड़ा सा बच्चों के साथ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गाना गाने के लिए मजबूर कर रही है मुझे उनको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है सैया वाला गीत तो फिर सब गाएंगे पीछे से तू जो छू ले प्यार से मर जाऊं मैं आराम से तेरी आरती उतारूं तुझे देख देख हारूं तू जो छू ले प्यार से मर जाऊं
हूँ मैं आराम से बचपन से ना बचपन से शिवम ये सब इतने अच्छे फ्रेंड हैं, सब मिलजुल के रहते हैं बिल्कुल। तो यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग को समाप्त। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, कल फिर मिलूँगी आप लोगों के बीच एक नया ब्लॉग लेके।